बसमिल्स मै नज़र एंड एमचंगस इन से वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देर इज़ लिवर लिवर एक ज़बरदस्त किस्म का होम्योस्टैथिक organ है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है इसको अगर हम स्टूडेंट्स हम यूं समझें कि बहुत सी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं लिवर उनको बनाता भी है उसमें से काफ़ी चीज़ों को स्टोर भी करता है और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं उन चीज़ों को डी भी करता है यानी कि उनका जहरीलापन खत्म कर देता है ऑल राइट right. तो इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न बेशुमार एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ भी अगर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं जो कि लिवर परफॉर्म कर रहा है तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होगा और होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस ख़राब होगी और फिर हम कहेंगे कि अब कोई ना कोई बीमारी आ चुकी है right. जिसे फिर हम डिसीज कह देते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी यूनिफॉर्म होम्योस्टैथिक स्टेट से हट चुके हुए हैं और फिर उसमें से जो आप लोग जिस बीमारी के साथ सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं जॉन्डस यानी कि यरकान का नाम आपने सुना होगा लिवर के ऊपर जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाए और जिगर से ही काम करना छोड़ दे तो उस सूरत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं बाइल पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि लिवर अपनी नॉर्मल स्टेट की बजाय कहीं ना कहीं किसी खराबी का शिकार हो चुका हुआ है किसी खराबी के असरात उसके ऊपर आ चुके हुए हैं और उसकी वजह से पूरी बॉडी के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम कहते हैं जी कि इस बंदे को जॉन्डस हो गया यानी कि यरकान हो गया ये तो सिर्फ एक मिसाल है स्टूडेंट्स इसी तरह बहुत सारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स इसी तरह बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसी तरह बहुत सारे स्टोरेज मॉलिक्यूल्स जिनकी हर वक्त बॉडी को जरूरत रहती है इन तमाम चीजों का कंट्रोल सेंटर दर इज लिवर ऑल राइट स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दू एमसीक्यूज के लिए इट इज लार्जेस्ट इंटरनल और विसरल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानी जिसम का अंदरूनी आजा में से सबसे बड़ा ऑर्गन जो है दर इज योर लिवर ऑल राइट प्रेजेंट कहाँ पे है आपकी थोड़े कैवे के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा डेलिकेट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है इस वजह से अल्लाह तला ने उसको आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर बंद करके रखा हुआ है ताकि वो महफूज रहे और राइट स्टूडेंट इसके हवाले से स्ट्रक्चर और प्रेजेंस और बाकी जिसके हैं जो इसके फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में शामिल है इनको स्टडी करते हैं वन वन बाय ऑन द बोर्ड राइट सो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन जिसको हम कहते हैं कि बॉडी का सबसे बड़ा अंदरूनी ऑर्गन जो है इज लिवर और होमियोस्टैथिक फंक्शन परफॉर्म करता है इसको भूलना नहीं है जिन्हें हम राइट या लेफ्ट लोब्स कहते हैं और दो इसकी माइनर लोब्स होती हैं जिसकी वजह से हम यूं कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोब्सूड एम सी क्यूज के हवाले से आप लोग याद रखेंगे फिर इसके बाद जो एंट्रेंस है जो मेन गेट है लिवर का जिसके अंदर बहुत सारे वेसल्स भी एंटर हो रहे हैं बहुत सारी नर्व्स भी आ रही हैं और तो और स्पेशली जो गाल ब्लैडर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन साथ जुड़ा हुआ है लिवर के जिसे हम पित्ता आमतौर पर कहते हैं उसकी नालियाँ जो आ रही हैं या जा रही हैं उन सब का कनेक्शन जिस गेट के जरिए लिवर के साथ बना हुआ है दैट गेट इज नोन एज पोर्टा ऑल राइट पोटा का लफ्जी मतलब ही गेट होता है यानी कि ये वो जगह है जहां पे बहुत सारे वेसल्स बहुत सारी नालियां और बहुत सारी नर्व्स लिवर के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं और जिगर में से एग्जिट भी कर रहे हैं यानी कि बाहर भी जा रहे हैं सुपोरा इज द गेट और सुपीरियर सर्फेस की टर्म्स जरूर याद रखिएगा साइंस में भी आपके काम आएंगी इन्फीरियर का मतलब क्या होता है लोअर साइड ऑलराइट और सुपीरियर साइड का मतलब क्या होगा अपर साइड जैसे हम कहते हैं इन्फीरियर कह वेना इसका मतलब क्या होता है कि वो वाली वेन्स जो लिवर को लाके निचली बॉडी के हिस्सों से सप्लाई दे रही हैं वो हमारी इंफीरियर वेना केवास कहलाती हैं और जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से जिगर के ऊपर की तरफ से होके आ रही हैं उन्हें हम कहेंगे देहा सुपीरियर वेना केवास ऑलराइट फिर उसके बाद जो है इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे और एमसीक्यूज के हवाले से स्पेशल स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजिंग सी चीज है लेकिन आपको इन शाह तला याद हो जाएगा बहुत ही प्रिसाइज वे में मैंने यहां पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों के पास गलती की गुंजाइश ही ना बचे सो द फर्स्ट थिंग इज कॉमन हेपेटिक डक्ट द सेकंड थिंग इज सिस्टिक डक्ट एंड द थर्ड वन इज कॉमन बाइल डक्ट अब चूंकि दो के साथ कॉमन का लफ्ज आ रहा है तो पहले वाली पे गौर करें दैट इज कॉमन हेपेटिक और जो थर्ड वन यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज कॉमन बाइल तो इसका मतलब क्या है कि वो नाली जो लिवर के अंदर से आ रही है सिक्रिशंस और केमिकल्स लेके वो है हमारी कॉमन हेपेटिक लेकिन उसके बाद जो गाल ब्लैडर के साथ या बाइल के सिक्रीशन के साथ जुड़ी हुई है या उनसे मुंसलिक है उसको हम कहेंगे दैट इज कॉमन बाइल डक्ट सो कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट इसका मतलब क्या है अभी हमने कहा था कि दो लोब्स हैं जो बड़ी मेजर लोब्स हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये नालियां उन लोब्स में से मूव करते हुए निचली जाने आ रही हैं जहां पे गाल मौजूद होगा सिस्टिक डक्ट जो है जो के एक सैकलाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है तो यहां पे भी आपको एक हिंट मैंने दे दिया याद रखने के लिए ताकि आपको याद रहे ये वाली बात कि सिस्टिक डक्ट जो है इट इज अ डक्ट फ्रॉम द गब्लैडर ये पिते के साथ जुड़ी हुई वो नाली है जिसका डायरेक्टली लिवर के साथ कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा लेकिन जो सिक्रीशन लिवर से आ रही हैं जिन नालियों के जरिए ये फिर उनके साथ जुड़ के फर्दर कॉमन बायल डक्ट बना देती है राइट सो कॉमन बायल डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट यानी ये दोनों नालियां जो कि लिवर से आ रही थी और फिर उसके बाद उसके साथ कौन मिल गया जो कि पिते से आ रही है यानी ब्लैडर से जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं उसमें से निकलती तो हुई नालियां जब ये आपस में जुड़ेंगी तो अब हम इनको क्या कहेंगे इट विल बिकम कॉमन बाइल बाइल और कॉमन फिर आगे मूव करती हुई चली जाती है Pancreas के साथ कनेक्शन बनाती है और फिर pancreatic duct के साथ जुड़ के फर्दर के अंदर अपनी सिक्रीशंस को खारिज कर देती है और सिक्रीशन इसकी कौन है बाइल जूस स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ एंड आर द ऑफ द लिवर लिवर क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर इसको वन बाय वन मैंने यू डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा यूं समझें कि आपके लिए टू द पॉइंट चीज़ें हैं लेकिन इसमें से कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं बची इस वजह से जो मैं बता रहा हूं इसको सुनते जाइएगा और मुमकिन हो तो नोट भी कर लें द फर्स्ट थिंग इज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात स्टूडेंट्स जब आती है तो फौरी तौर पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वाइटल मोनोसेकोराइड इट शुड कम टू योर माइंड और वो कौन है ग्लूकोज ग्लूकोज जितना इंपॉर्टेंट है आप याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर उसके लेवल्स को मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ग्लूकोज अपने लेवल से नीचे चला जाता है फिर भी गड़बड़ हो सकती है अगर ग्लूकोज अपने लेवल से ऊपर चला जाता है फिर भी बॉडी नॉर्मल स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस से हट सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहे होते हैं हॉर्मोन्स लेकिन यहाँ पे लिवर का एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो क्या है कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन और ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन इस चीज को रेगुलेट करवाना ये आपका लिवर करवा रहा होगा स्टूडेंट्स सो सबसे पहली बात आप ये याद रखें जो मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल स्मार्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की हुई है कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन तो हो रही है लेकिन ये कन्वर्जन कौन करवा रहा है इंसुलिन इसका मतलब क्या हुआ जब आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज होगा और वो ब्लड के अंदर फारे बैठा हुआ है कोई काम भी नहीं कर रहा

ग्लूकागन एक और हार्मोन है जो पेंक्रिया से रिलीज हो रहा है और ये क्या करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है इसका मतलब क्या होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ना और ग्लूकोज बनाना ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को जरूरतियात को पूरा किया जा सके राइट ग्लूकोज मेटाबोज के हवाले से स्टूडेंट्स आप लोग दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने याद रखनी है ये मैंने एनलिस्ट की हुई है ऑन द नेक्स्ट बोर्ड तो डिटेल्स वहीं पर देखते हैं जी स्टूडेंट्स अब देखिए ये जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स ये समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्लूकोज मेटाबोलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी टर्म ग्लूकोज के बनाने के हवाले से इंपॉर्टेंट है कौन सी टर्म ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी टर्म जो है वो नॉन ग्लूकोज रिसोर्सेस से ग्लूकोज को कन्वर्ट करके बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है तो इन तीन टर्म्स को आप लोगों ने स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से याद रखना है ऑलराइट स्टूडेंट्स right,

या एक्सेस ग्लूकोज इज प्रेजेंट द ब्लड इट इज प्रसाइड टू ग्लाइकोजन इन द लिवर दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टूडेंट्स फिर दूसरी टर्म समझे ग्लूकोनियोजेसिस जब हम कहते हैं स्टूडेंट्स तो ये बात आपने याद रखनी है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बनाना और ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ये वाली चीज जो है इसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजानसिस

तो उसे बाद में फ़ैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपकी स्किन के नीचे स्टोर कर दिया जाएगा या बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहां पे जाके उनको डिपॉजिट कर दिया जाएगा तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज़ होगा उसकी कन्वर्जन कर दी जाएगी कि किसी ना किसी स्टोर्ड फॉर्म के अंदर और जब कभी आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम हुआ हो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जैसे कि स्पेशली आप लोग रमज़ान में जब रोज़े रखते हैं तो आप लोग बारह बारह चौदह चौदह घंटे तक कुछ नहीं खा पी रहे होते तो उस वक्त बॉडी जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा जो जो आपने स्टोर्ड फॉर्म अपनी बॉडी के अंदर बनाई हुई है लाइक ग्लाइकोजन लाइक फैट्स तो उनको वापस कन्वर्ट किया जाएगा इंटू ग्लूकोज और दैट ग्लूकोज विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी स्टूडेंट्स ये है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म फैट मेटाबोलिज्म लिवर यहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट्स ये जो फैट्स हैं ये हैं क्या असल में आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा होगी उसे फैट्स में या चर्बी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये चर्बी पहले बॉडी के अंदर डिपॉजिट की जाती है मखसूस जगहों पर मखसूस मकामा के ऊपर लेकिन आप यूं समझें कि अगर फिर भी आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते जा रहे हैं एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नहीं हो रही फिजिकल एक्टिविटी आप कोई परफॉर्म नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली क्या होगा यही फैट्स आपके लिवर के साथ लिवर के इर्द गिर्द डिपॉजिट होना शुरू होंगे वहां पे खराबियां पैदा करेंगे फिर उसके बाद हार्ट का रुख कर लेंगे दिल की जो नालियां हैं वहां पे जाके जब फैट्स डिपॉज़िट होना शुरू होंगे तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा है कि यहाँ पे हार्ट पेशेंट्स बनने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी वो किस तरह से कि जो नालियां हैं उनके अंदर जब फैट्स डिपॉजिट होंगे तो वहां पर थिरोसक्लिरोसिस या आर्टीरियोसक्लिरोसिस वगैरह की कंडीशन अपीयर होंगी हार्डनिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स की और फिर जब खून गुजरने की कोशिश करेगा तो दिल के ऊपर दबाव पड़ेगा उस दबाव की वजह से बहुत ज्यादा सुइर तकलीफ होगी और अगर हार्ट के टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा अगर ब्लड तो फिर क्या होगा वहां पे झटके लगना शुरू हो जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी और हम कहेंगे कि ये हार्ट अटैक की सूरत हो सकती है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि रेगुलर एक्टिविटीज़ को अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर कन्वर्ट जरूर करें आप लोगों की जो रूटीन है जो डेली रूटीन है स्पेशली उसके अंदर थोड़ी बहुत वॉक या थोड़ी बहुत एक्टिविटी जरूर शामिल करके रखें ताकि ये फैट्स जरूरत के वक्त फौरी तौर पे बर्न आउट किए जा सकें लेकिन ये आपके विसरा के इर्द गिर्द देर या ज्यादा मकदार में स्टोर ना हो सके और right, तो फैट मेटाबॉलिज्म के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है लिवर कैन सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे cells की membranes के अंदर मौजूद होता है Then, lipogenesis. यहां भी देखें दोबारा आ रही है genesis. लेकिन साथ क्या लगा दिया गया लिपो इसका मतलब क्या है लिपिड्स बनाना लेकिन ये वाले लिपिड्स किस तरह से बन रहे हैं इसको भी अंडरस्टैंड कर लें फैटी एंड टू फैट एंड स्टोर्ड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मतलब क्या है कि आपके पास बॉडी के अंदर जो इजाफी फैटी एसिड इकट्ठे हो रहे हैं इजाफ़ी ग्लिसोल्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा फ़ैट्स में और उन फैट्स को भेज दिया जाएगा जल्द के नीचे वहां पर चर्बी की एक मोटी तय जमा दी जाएगी और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के बाकी हिस्सों के अंदर इसको स्टोर किया जाएगा और अल्टीमेटली जैसा कि अभी मैंने बताया अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करते अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू तो फिर क्या होगा विसरा के आसपास किडनीज में हमें ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे फैट्स और फिर उसकी वजह से खुदा ना खास्ता डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ सकती हैं देन इज लिपोलाइसिस लिपोलाइसिस अब ये बिल्कुल उलट जाएगा वो क्या लिपिड्स का टूट जाना right? लेकिन lipolysis की कब जाएगी जब खुदा है खास्ता बॉडी को कैद साली की कंडीशन का सामना हो जाए यानी कि ज्यादा लंबे दौरानिए के लिए आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक प्रोटीन इनटेक फैट्स इनटेक खत्म कर दें और वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में जहां जहां मौजूद है वहां से फिर उनको तोड़ के वापस निकाला जाए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज लिपोलाइसिस बिल्कुल इसी तरह के जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं या डाइट प्लान वगैरह बनाते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हम अपने फैट्स बर्न करना चाह रहे हैं तो वो जो फैट्स की बर्निंग वाली एबिलिटी है वो कब आती है जब बॉडी को ये पता चले कि अब ये बंदा इनटेक तो नहीं कर रहा लेकिन जो स्टोर्ड फैट्स हैं बॉडी के अंदर पेट वाले हिस्से में हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हैं उनको फौरन तोड़ना है कन्वर्ट बैक करना है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रोल्स फिर उनको फर्दर कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू ग्लाइकोजन या फिर डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज और फिर उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सो लिपोलाइस एंड ग्लिस्ट्रोल ऑलराइट स्टूडेंट्स जरूरत कब पेश आएगी जब बॉडी के अंदर कोई एक्स्ट्रा सोर्स या इनटेक नहीं रहेगा बहुत ज्यादा हाई एनर्जी सोर्स ऑफ फूड का ऑलराइट स्टूडेंट्स right, फिर उसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स दे आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट component ऑफ द ड्राई matter ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में से पानी निकाल दिया जाए तो बाकी का ड्राई मेटर तो उस ड्राई मेटर में से 50 परसेंट जो है दे आर प्रोटीन्स और वह प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर हारमोन्स की शक्ल में भी मौजूद हैं आपके बाल और नाखून भी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हिमोग्लोबन है वो भी प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार हारमोन्स जो वो भी प्रोटीनस की फॉर्म में मौजूद हैं स्पेशली इंसुलिन जो जिसकी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन फिर और तो और स्टूडेंट्स अगर हम अपनी बॉडी का अंदरूनी तौर पर जायजा लें तो हर सेल की मेमब्रेन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोटीन्स है जो चैनल्स और, और गेट्स वगैरह की फॉर्म में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं और फिर इसी तरह से कुछ हमारे पास जो इम्यूनिटी से रिलेटेड एंटीबॉडीज हैं या इम्यूनोग्लोबियल जिनको हम कहते हैं वो सब के सब भी प्रोटीन्स हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन्स अगर इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट और डाइवर्स एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर तो लिवर यहां पे भी होम्योसेथिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नजर आता है सो so, प्रोटीन में किस तरह से इन्वॉल्व है लिवर अमीनो ड्यूरिंग डाइजेशन आर ट्रांसपोर्टेड टू तो लिवर मोस्ट प्रोटीन्स आर अब जो सिंथिस खा पी रहे हैं प्रोटीन्स अंडे की शक्ल में दूध की शक्ल में पी रहे हैं चिकन खा रहे हैं मीट रहे हैं, खा रहे हैं फ्लैश खा रहे हैं व्हाइट मीट खा रहे हैं व्हाट्सर जो भी आप जिस भी किसी फॉर्म में प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं उसको अल्टीमेटली डाइजेस्ट किया जाता है आप टू अमीनो एसिड लेवल और फिर उन अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा इन टू द विलय और फिर उनको भेज दिया जाएगा लिवर के पास ताकि ये पता चले कि बॉडी को जहाँ जहाँ पे जरूरत है प्रोटीन्स की या अमीनो एसिड्स की वहाँ वहाँ पे फिर उनको फर्दर डायरेक्ट कर दिया जाए और राइट स्टूडेंट्स तो जो प्रोडक्ट्स हैं अल्टीमेटली जिनकी हमें ज़रूरत है उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी वो ट्रांसफर कर रहा होता है पहली चीज क्या है अब यहां पे हमें क्या पता चल रहा है अगर जरूरत से कार्बोहाइड्रेट सोर्स तो फिर क्या किया जाएगा उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और उन कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्सिपोजेसिस अभी हमने जिक्र किया था इसका कि अमीनो एसिड्स को अगर लिपिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर स्टोर कर दिया जाए बॉडी के अंदर तो इसको हम कहेंगे दिस इज अब ये ये बात जरूर याद रखिएगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कब किया जा रहा होता है कि जब बॉडी को इंस्टेंटली जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की और दूसरी तरफ हमें क्या पता चल रहा है लिपोजेनेसिस कब किया जाएगा कि जब हमने अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करना है और उस एनर्जी की फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना है बॉडी के अंदर तब हम लिपोजेनेसिस की तरफ जाएंगे राइट Then we have very, very important function. Protein metabolism के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये और इसमें यह बात याद रखिएगा कि जब हम प्रोटीन को लिवर के अंदर भेज के तोड़ना चाह रहे होते हैं तो असल में क्या किया जा रहा होता है अमीनो एसड से उसका अमायन ग्रुप जो है उसको अलहदा कर दिया जाता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन राइट right? लेकिन अब इस स्टेप के बाद एक खतरा पैदा हो जाता है और वो खतरा क्या पैदा हो जाता है कि और अमोनिया जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है इट इज अ वेरी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस इन साइड द बॉडी अब क्या किया जाएगा उस हाईली टॉक्सिक वेस्ट को कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा एंड दैट लेस टॉक्सिक वेस्ट इज यूरिया जिस अमल के जरिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम ऑन तीन आर्जीन साइकिल भी कहते हैं या आसान अल्फाज में उसे हम यूरिया साइकिल भी कह देते हैं ये काम भी लिवर के अंदर परफॉर्म किया जा रहा होता है ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट से बचा के कम हार्मफुल वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए इन नाइट्रोजनस वेस्ट को और फिर उन नाइट्रोजनस वेस्ट को फर्दर किडनीज के थ्रू फर्दर आगे यूरेटर्स और यूरेथ्रा और ब्लैडर वगैरह के थ्रू बॉडी से खारिज कर दिया जाए और राइट स्टूडेंट्स तो इस तरह से हम अपने नाइट्रोजनस वेस्ट से छुटकारा हासिल कर लेते हैं तो ये अहम काम भी कौन परफॉर्म कर रहा है लिवर ऑलराइट रेस्ट ऑफ द फंक्शंस नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव डिटॉक्सिफिकेशन दैट इज एन फंक्शन ऑफ द लिवर डिटॉक्सिफाई करना यानी किसी ज्यादा जहरीले केमिकल को उसका जहरीलापन खत्म करके या तो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना या फिर लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर बाद में उसको बॉडी से खारिज कर देना दिस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन लिवर कौन कौन सी चीजों की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो आप लोगों ने एमसी की उसके पॉइंट से याद रखने हैं दे आर नोन एज कफर सेल्स कफर सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स दे डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय सेलुलर डेब्री एंड इन बैक्टीरिया इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त सेल्स की तोड़ फोड़ चल रही है उनकी डेथ और बर्थ चल रही होती हैं हर वक्त तो वो सेल्स का सारा टूटा फूटा हुआ मटीरियल वो सारे का सारा कूड़ा क्रिकेट जो सेल्स के मरने की वजह से पैदा हुआ है उसको भी अल्टीमेटली ब्लड कहाँ पे ले जाता है लिवर के पास और लिवर के जो कफर सेल्स हैं इन्होंने फिर उसको डिटॉक्सीफाई करना होता है कि कहीं उनके पास कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जो इर्द गिर्द के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकें तो उसको डिटॉक्सीफाई करेंगे तो हमारी बॉडी महफूज रहेगी दूसरे नंबर पर इनवेडिंग बैक्टीरिया का जिक्र किया जा रहा है स्टूडेंट्स तो इस बात से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि हम जिस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं हर वक्त हमारे हाथों पे हमारी स्किन पे हमारे नोस्ट्रेल्स के अंदर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर बैक्टीरिया हर वक्त मौजूद होते हैं अब इस वजह से साफ सुथरा रहना तो आपका एह फरीजा है लेकिन फिर भी अगर ये बैक्टीरिया किसी ब्रूस से किसी खराश से किसी जख्म से बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें तो ब्लड इनको उठा के ले जाएगा लिवर के पास और लिवर के कफर सेल्स क्या करेंगे फिर उन बैक्टीरिया को पकड़ के किल कर देंगे आपको पता भी नहीं होता बाजात और आपकी बॉडी के अंदर जो ये सेल्स हैं और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बेशुमार जर्म्स को ख़ुद ब खुद ख़त्म कर रहा होता है तो इस वजह से आप लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं इस बात पर अल्लाह ताली का शुक्र ज़रूर अदा करें और राइट सीडेंस दैन वही है ड्रग्स एंड एल्कोहल डिटॉक्सीफिकेशन बहुत सारी इस तरह की केमिकल्स बहुत सारे इस तरह की अद्वियात जिनकी बाज़ात हमें जरूर, हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम उसको क्या कहते हैं हम मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स करें तो वो वाली चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है ना सिर्फ अद्वियात बल्कि नशावर दवाइयाँ या और इस तरह के केमिकल्स भी हो सकते हैं तो उनको हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती तो फौरी तौर पे लिवर एक्शन में आ जाता है और जब लिवर हरकत में आता है तो ये उन केमिकल्स को डी करता है उनका जहरीलापन खत्म करता है तब जाके आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है ऑलराइट यही वजह है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल वगैरह या उसके डिफरेंट वेरियंट को इनटेक करते हैं अल्टीमेटली उनके लिवर्स डैमेज हो जाते हैं उनका जिगर तबाह हो जाता है रसोलियाँ बन जाती हैं और फिर अल्टीमेटली ट्यूमर और कैंसर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर उनकी मौत वाक्य हो जाती है स्टूडेंट्स देन अब डी एमिनेशन अभी हमने पढ़ा है कि हमारे अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स वगैरह के ऊपर से अमाइन ग्रुप को अलहदा कर लेना ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हार्मोन इनएक्टिवेशन बहुत से हारमोन इस तरह के हैं कि जो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अब मजीद अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो लिवर उनके एक्टिव ग्रुप्स को यह एक्टिव कंपोनेंट्स को डिटैच कर देता है और उसे यह हमें खबर मिलती है कि अब अभी हारमोन फर्दर बॉडी के अंदर काम नहीं करेंगे बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप जब एक मखसूस एज पे पहुंचेंगे तो आपका जो ग्रोथ हारमोन है वो आपकी हाइट बढ़ाना बंद कर देता है और फिर क्या होता है अल्टीमेटली आपकी लेटरल ग्रोथ शुरू हो जाती है जो फैट्स वगैरह हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं दैन वो यह बिली रुबेन डी टॉक्सीफिकेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बेसिकली बाइल पिगमेंट है बिली रूबेन बिलीवर्डन और इसी तरह के यूरोबेलेंस वगैरह ये जो सारे के सारे हमारे पास बाइल पिगमेंट्स हैं ये अपना काम परफॉर्म करने की हद तक तो ठीक है लेकिन ये खुद कहाँ से आ रहे हैं कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल्स की तोड़ फोड़ से पैदा किए जा रहे होते हैं और फिर आगे फर्दर ये डाइवर्सीफाई होते चले जाते हैं तो इन बाइल पिगमेंट्स को भी ज़रूरत से ज़्यादा देर के लिए बॉडी के अंदर स्टोर करके रखना ये भी खतरनाक हो सकता है तो आपका लिवर इनको भी डिटॉक्सीफाई कर देता है right, Then, what about the storage? लिवर ऑल राइट right. ये क्या क्या स्टोर कर रहे हैं ग्लाइक्रोजन स्टोर कर रहे हैं वायरामिन ए ट्वेल्व डी इ के और कॉपर और आयरन वगैरह को स्टोर कर रहे हैं वायरामिन ना सिर्फ खुद जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर बल्कि साथ ही साथ जो एंड पे हमने दो मेथल्स का जिक्र किया है स्टूडेंट्स आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए आपकी बोन मैरो की प्रोडक्टिविटी के लिए ये दोनों मेथल आय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और राइट देन वी हैव बाइल वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिक्रीशन ऑफ द लिवर ये वो सिक्रीशन है जो नॉन इंजमेटिक होने के बावजूद आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के अमल में बहुत ही जबरदस्त किस्म का कलीदी किरदार अदा कर रहा है और इसकी अपनी कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स बाइल बाइल इज ऑफ वाटर कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स बाइल पिगमेंट्स लाइक अभी मैंने एक बोला था यूरोबिलिन आप लोग याद रख सकते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट सोडियम टॉरोकोलेट लेन म्यूकस एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे के सारे जो केमिकल्स जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं इनके अंदर कोई एक भी इस तरह का कंपोनेंट नहीं है जिसे हम एंजाइम कह सकें लेकिन उसके बावजूद ये आपके फैट्स की डाइजेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं इमोल्सिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैट्स को डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है सो वी हैव गाल ब्लैडर द स्टोरेज सैक दैट स्टोर्स द बाइल जूस वो सारे केमिकल्स जिनकी अभी हमने बात की है ये सारे लिवर से निकलते हुए आते हैं और गाल ब्लैडर के अंदर यानी पिते के अंदर इकट्ठे कर दिए जाते हैं और इन तमाम सिक्रीशन को अगर हम उस जूसी सिक्रीशन का उर्दू तर्जुमा करना चाहें तो उसे हम कहते हैं कि ये पिते का पानी है right? अब ये जो पिते का पानी है ये चर्बी और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इट इज अक लाइक स्ट्रक्चर ऑन इनफीरियर सर्फिस ऑफ द लिवर स्टोर्स बाइल जूस इट इज एट सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फोर सेंटीमीटर वाइड एन सी लास्ट सेंटेंस जरूर याद रख लीजिएगा फंक्शन परफॉर्म करे और इमल्सिफिकेशन है क्या इसको नहीं करना आपने के साथ thing, right? आप क्या याद रखेंगे सिंपली क्या किया जा रहा होता है बड़े फैट ग्लोब्यूल्स की सर्फिस को रिड्यूस करते हैं आपके बायोसॉल्ट और उसकी वजह से वो फर्दर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि फर्दर जो एक एंजाइम है है लाइपेज जिसने इन फैट्स को कन्वर्ट करना इनटू फैटी एसिड्स एंड वो अच्छी तरह से काम कर सके उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सर्फेस एरिया अवेलेबल हो सके तो ये वाला काम जो है इसको हम कहते हैं एमोल्सिफिकेशन बाइल एंटर्सम एंड रिड्यूस द टेंशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स एंड देम ड्रॉपलेट्स सो दैट लाइपेज कैन एक्ट एफिशेंटली टू डाइजेस्ट लिपिड्स

और फिर उसके बाद उनको शामिल कर दिया जाएगा इन टू वायल्ड जूस और इसके अलावा फिब्रजेंस वगैरह ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं और ये भी आपके लिवर के अंदर प्रोड्यूस की जा रही होती हैं इसी तरह बहुत सारी ऑस्मोटिक बैलेंस जो आपकी बॉडी के अंदर है आपके ब्लड के अंदर जो मेंटेन करने के लिए वहाँ पे ग्लोबुलेंस वगैरह प्रोड्यूस करना ये भी लिवर की जिम्मेदारी है और अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि लिवर आपकी बॉडी की वो चेक पोस्ट है जो हर बाहर से आने वाली एक्सॉजनस चीज़ और हर अंदर से पैदा होने वाले इंडोजनस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्क्रीन करता है अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि आपका मूड ऑफ है और आपको उसकी वजह भी समझ ना आ रही हो तो ये बात तय है आपने कोई ऐसे फूड एडिटिव वाली खुराक खाई है जिसकी वजह से आपके लिवर के ऊपर प्रेशर आ चुका हुआ है इट इज एनदर इंपोर्टेंट फैक्टर यहीं पर सेशन का अख्ताम करते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।